हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट इंडिया म्यांमार बॉर्डर इशू। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फ्री मूवमेंट रेजिम है एट द बॉर्डर ऑफ म्यांमार, उसे खत्म करने का निर्णय लिया है। इसके बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों पर आज हम बात करेंगे। फ्री मूवमेंट रेजिम क्या है, क्या इथिकल टाइज है, कनेक्शन है बिटवीन इंडिया एंड द नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड म्यांमार, कब ये स्टार्ट हुआ और क्या बॉर्डर सिचुएशन है और फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने में क्या क्या चैलेंजेज हैं, और सबसे बड़ी बात की जो इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है उस बॉर्डर के अलोंग क्या क्या ऐसे इशूज है जिसके कारण इसे खत्म करना पड़ रहा है। तो इस सेशन में हम इन तमाम बातों पर डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। फ्री मूवमेंट रिजिम टू इंड एट म्यांमार बॉर्डर, यह हमारा टॉपिक है। एज पर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, द यूनियन गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू स्क्रैप द फ्री मूवमेंट रिजिम अलोंग द म्यांमार बॉर्डर। अब ये फ्री मूवमेंट रिजिम बेसिकली क्या है कि जो म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट का जो बॉर्डर है उसके अलोंग जो भी लोग रहते हैं उन लोगों को फ्री किया गया है कि आप उस कंट्री के, दूसरे कंट्री के 16 किलोमीटर के एरिया तक अंदर आ जा सकते हैं विदाउट एनी वीजा। यह फ्री मूवमेंट का एक बेसिकली क्राइटेरिया है। पीपल लिविंग इन बॉर्डर एरिया हु कुड क्रॉस ओवर टू इंडिया विल सून रिक्वायर वीजा। अब इन्हें जब यह फ्री मूवमेंट रिजिम खत्म हो जाएगा तब उन्हें उसी मोमेंट के लिए अब वीजा की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर यह फ्री मोमेंट रिजिम है क्या। तो बेसिकली यह एक पैक्ट है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार दैट अलाउ ट्राइब्स लिविंग अलोंग द बॉर्डर ऑन आइदर साइड टू ट्रेवल अप टू 16 किलोमीटर इनसाइड द अदर कंट्री विदाउट अ वीजा। जैसा कि जस्ट मैंने बताया कि अगर ये सपोज कर लीजिए कि यह नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर है कुछ इस टाइप से और यहां पे म्यांमार है अलोंग दिस बॉर्डर, तो 16 किलोमीटर के एरिया में यहां के जो ट्राइब्स है वो अंदर तक जा सकते हैं विदाउट एनी वीजा। अब जब यह खत्म हो जाएगा फ्री मूवमेंट रिजिम तो उसी एरिया में जाने के लिए अब उन्हें वीजा का रिक्वायरमेंट होगा। द FMR फ्री मूवमेंट रिजिम वॉज इंप्लीमेंटेड इन 2018 एज ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाया तो इसके तहत 2018 में इसे इंप्लीमेंट किया गया फ्री मूवमेंट रिजिम को, एट अ टाइम व्हेन डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार बियर ऑन द अपस्विंग। उस टाइम में जब जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार एक अच्छे कंडीशन में था, उस तरीके से उसी टाइम में जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी आया था तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना फ्री मूवमेंट रिजिम को इंप्लीमेंट करके इस बॉन्ड को और अधिक बनाया जा सके। इन फैक्ट FMR वाज टू बी पुट इन प्लेस इन 2017 इटसेल्फ बट वाज डिफरेड ड्यू टू द रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस दैट इरप्टेड दैट अगस्त। हालांकि यह बेसिकली 2017 में ही यह इंप्लीमेंट हो चुका था बट रोहिंग्या क्राइसिस के कारण से इसे लेट इंप्लीमेंट किया गया था इन 2018। रैशनल बिहाइंड FMR, क्या रैशनल है कि क्यों इसे लाया गया। तो जस्ट हमने डिस्कशन किया कि जो बाउंड्री है, बहुत सारे ऐसे एथिकल टाइज है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, जो कल्चर है बहुत शेयर किया जाता है, तो ये जो बेसिकली रैशनल है बिहाइंड द FMR, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार वॉज डिमार्केटेड बाई द ब्रिटिश इन 1826। कि जो बाउंड्री है इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के अलॉन्ग वो डिमार्केट किया गया था बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1826 इटसेल्फ। This effectively divide the people of same ethnicity and culture into two nations without seeking their opinion. और चूंकि उस समय ब्रिटिश यहाँ पे गवर्नमेंट थी तो उन्होंने तो डिमार्केट कर दिया बॉर्डर, ना ही यहाँ के लोगों से कंसल्ट किया गया, ना ही उनका ओपिनियन लिया गया। और जो लोग सेम कल्चर सेम इथनीसिटी को फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं, उन्हें एक बॉर्डर के अलॉन्ग डिमार्केट कर दिया गया, उन्हें बांट दिया गया। Hence, need was felt to enable ethnically similar communities living across the border to move freely without the need of visa. और इसी कारण यह फेल किया गया या महसूस किया गया कि जो लोग सेम कल्चर को फॉलो करते हैं, सेम इथनीसिटी के हैं, सेम कल्चर एक्टिविटी फॉलो करते हैं, उन्हें फ्री मूवमेंट की जरूरत है। द FMR was supposed to provide impetus to local trade and business. Apart from that, जो लोकल ट्रेड है, लोकल बिजनेस है, क्योंकि लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उस बॉर्डर के अलोंग इजिली हो सकता है,
However, it has been criticized for unintentionally adding illegal migration, drug trafficking and gun running. लेकिन अब इसका फायदा जो कह सकते हैं, इसका जो नेगेटिव साइड है, वहां पे उस बॉर्डर के अलोंग, चूंकि वीजा का रिक्वायरमेंट है नहीं, लोग आसानी से आ जा सकते हैं, तो जिसके कारण से इलीगल माइग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है. फिर साथ ही साथ ड्रग ट्रैफिकिंग का इशू है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी इशू है, गन रनिंग का इशू है. तो बेसिकली क्या है कि टेररिस्ट एक्टिविटी भी उस बॉर्डर के अलोंग काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना थी और बढ़ा भी था. करंट स्टेटस क्या है? अगर हम करंट स्टेटस की बात करें, हालांकि यह जो फ्री मोमेंट रिजिम था वो डिफंक्ट हो गया है सिंस 2020 फर्स्ट बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक. कोविड पैंडेमिक के दौरान या 2020 से इसे डिफंक्ट कर दिया गया है. आफ्टर द मिलिट्री कूप इन म्यांमार, जब 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट होता है, मिलिट्री कूप होता है, एंड द कंटिन्यूड एस्केलेशन ऑफ इट्स रिफ्यूजी क्राइसिस, इंडिया सस्पेंडेड द एफएमआर इन सितंबर 2022. और इसी कारण से कि वहां पे तख्ता पलट हो गया, मिलिट्री कूप हो गया म्यांमार में, आफ्टर दैट इंडिया ने डिसीजन लिया और सितंबर 2022 में इस फ्री मूवमेंट रेजिम को खत्म कर दिया. आफ्टर द मिलिट्री कूप देयर वाज एन इनफ्लक्स ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स. बहुत सारे लैक्स ऑफ माइग्रेंट्स जो है, जिनके पास कोई कागजात नहीं है, वो लोग भी इंडिया में आके अब माइग्रेंट के रूप में रहने लगे, स्पेशली इन द एरिया ऑफ म्यांमार, मिजोरम. ओवर 40,000 रिफ्यूजी टुक शेल्टर इन मिजोरम एंड अराउंड 4,000 रिफ्यूजी आर सेड टू हैव इंटर्ड इन द मणिपुर. द माइग्रेंट्स बिलोंगिंग टू द कुकी चीन जो एथनिक ग्रुप शेयर एथनिक टाइज विथ कम्युनिटीज इन मिजोरम एंड मणिपुर. अब चूंकि ये एथनिक टाइज शेयर करते हैं, तो अगर वो माइग्रेंट के रूप में भी उनके अंदर आके रहते हैं, तो उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन वहां के लोकल है, कौन माइग्रेंट है. तो जो ये मिलिट्री कूप के बाद जो रिजीम चेंज हुआ इन म्यांमार, उसके कारण से इस फ्री मोमेंट रिजिम को सितंबर 2022 से कंप्लीटली बैन कर दिया गया था, बिकॉज रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ रहा था यहां पे. अब क्या रैशनल था इस स्टेप के पीछे कि इस फ्री मोमेंट रिजिम को कंप्लीटली खत्म किया जाए? करंटली एफएमआर इज यूज्ड बाय इंसर्जेंट ग्रुप्स टू कैरी आउट अटैक्स ऑन इंडियन साइड एंड फ्लीड टुवर्ड्स म्यांमार. दिस हैज टू बी स्टॉप्ड. जस्ट मैंने आपको डिस्कशन किया कि चूंकि वहां पे बॉर्डर के अलोंग आसानी से आ जा सकते हैं 16 किलोमीटर के एरिया तक, जो एफएमआर का प्रोविजन है, इसका जो कह सकते हैं जो फायदा है वो इंसर्जेंट ग्रुप उठाते हैं, जो कि इंडियन साइड में आके अटैक्स करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देते हैं और फिर आसानी से म्यांमार में चले जाते हैं. तो इसे रोकने के लिए यह स्टेप बहुत जरूरी था. इंडिया ऑल्सो वॉन्ट्स टू पुट ए ब्रेक ऑन द इनफ्लक्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड गोल्ड स्मगलिंग इज वन ऑफ द मेजर इशू अलोंग दिस बॉर्डर. अर्लियर इन सितंबर 2023 जो मणिपुर के सीएम हैड अर्ग्ड द सेंटर टू परमानेंटली वाइंड अप द फ्री मोमेंट रिजिम टू कर्व इलीगल माइग्रेशन. और इसी के दौरान देखते हुए कि जो स्टेट है मणिपुर, वहां पे काफी ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स की संख्या बढ़ने लगी थी, तो मणिपुर के सीएम ने सेंटर से कहा था कि आप जल्द से जल्द यह जो फ्री मोमेंट रिजिम है उसे कंप्लीटली खत्म करें, ताकि जो इलीगल माइग्रेशन है उसे रोका जा सके. क्या क्या चैलेंजेस है? अब ऐसा अप्रिहेंशन है कि अगर ये खत्म किया जाता है कंप्लीटली, तो स्टेट्स लाइक नागालैंड और मिजोरम जो है में अपोज द मूव. लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बॉर्डर का जो डोमेन है वो सेंटर के सब्जेक्ट के अंदर आता है. हाउएवर इट शुड बी नोटेड दैट बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज इन सेंटर्स डोमेन. तो उस पर सेंटर का सब्जेक्ट है, उस पर सेंटर लॉ बनाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि स्टेट क्या कह रही है. इट मे टेक नोट ऑफ द कंसर्न्स ऑफ दिस स्टेट बट द फाइनल डिसीजन इज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. हालांकि ऐसा नहीं है कि उसे कंसल्ट नहीं किया जाएगा उस स्टेट से, क्योंकि वो भी बॉर्डर के अलोंग ही है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट सेंटर के सब्जेक्ट के अंदर आते हैं. अब बात करते हैं इंडिया म्यांमार बॉर्डर का. क्या स्थिति है इंडिया म्यांमार बॉर्डर का? तो यह जो बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार, लगभग 1,643 किलोमीटर का एक लंबा सा बॉर्डर है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर शेयर करता है, नागालैंड 215, मणिपुर 398, मिजोरम 510 किलोमीटर कॉमन बॉर्डर है अलोंग द म्यांमार. आप देख सकते हैं, दिस इज म्यांमार अगर आपको दिख रहा हो यहां पे, एंड हेयर इज मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, एंड हेयर इज आप देख सकते हैं त्रिपुरा का जो यह कंडीशन है, यहां पे देख सकते हैं ये मणिपुर है हमारा,
यहां पे आसानी से ये इन्फ्लक्स कर जाते हैं माइग्रेंट्स इन एरियाज में, दैट्स वाई यह इशू बना हुआ था। डिमार्केशन की हम बात करते हैं, जस्ट हमने डिस्कशन किया 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है जिसमें 1472 किलोमीटर जो एरिया है वो डिमार्केटेड है, हैज बीन कंप्लीट हो चुका है उसका डिमार्केशन। देयर आर ओनली टू अनडिमार्केटेड पोर्शन अलोंग द इंडो म्यांमार बॉर्डर। कौन दो अनडिमार्केटेड है? तो लोहित सब सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश 136 किलोमीटर एंड कवा वैली इन मणिपुर 35 किलोमीटर। आप इस फिगर में देख सकते हैं यह जो जोन दिखाया है यह एक कवा वैली है जो कि अभी तक डिमार्केटेड नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश में लोहित सब सेक्टर है यहाँ पे इस जोन में, वो अभी तक डिमार्केटेड नहीं है। अदरवाइज लगभग 1472 एरिया जो है, किलोमीटर एरिया जो है वो डिमार्केटेड है अलोंग दिस बॉर्डर। क्या क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स है अलोंग द बॉर्डर? सक्सेशनिस्ट मोमेंट, द मोमेंट फॉर ग्रेटर नागालैंड कंप्राइजिंग ऑफ एरिया इन बोथ इंडिया एंड म्यांमार हैज डिमार्केटेड ड्रामेटिकली डी एस्टेब्लिश द बॉर्डर। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो ग्रेटर नागालैंड का डिमांड होता है, जो कुछ एरिया इंडिया का भी शेयर करता है, कुछ एरिया म्यांमार का भी शेयर करता है, वो सबसे बड़ा एक सक्सेशनिस्ट मोमेंट है जो कि एक सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है फॉर द इंडियन गवर्नमेंट एंड फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस। सपोर्ट टू इंसर्जेंट एंड टेररिस्ट इन इंडिया, जस्ट हमने डिस्कशन भी किया, मेनी ऑफ द इंसर्जेंट इन नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव टाइज विद ग्रुप्स इन म्यांमार हु प्रोवाइड पॉलिटिकल बैकिंग, इकोनॉमिक असिस्टेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड मिलिट्री ट्रेनिंग और आर्म्स सप्लाई। द पोरस बॉर्डर ऑल्सो हेल्प प्रोवाइड सेफ हेवन टू द इंसर्जेंट ग्रुप्स। इसके कारण जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, जो इंसर्जेंट एक्टिविटीज है, वो उस बॉर्डर के अलॉन्ग आसानी से आ जा सकता है, जो कि बॉर्डर जो है वो पोरस है। नार्कोटिक सेक्स स्मगलिंग सबसे ज्यादा यहाँ पे ड्रग्स का स्मगलिंग बढ़ गया है। इंडिया इज लोकेटेड नियर द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ड्रग प्रोडक्शन इन ईस्ट, फॉर एग्जाम्पल नॉर्दर्न थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार, जिसे गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है, जहां पर ड्रग्स का काफी ज्यादा स्मगलिंग होता है, विच हैज रिजल्टेड इन रैम्पेंट ड्रग ट्रैफिकिंग थ्रू आउट द कंट्री। ट्रैफिकिंग ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स एंड फ्रॉम म्यांमार इज अ कंसर्न। इसके कारण चूंकि यह जो इसका लोकेशन है वो गोल्डन ट्रायंगल का जो काफी नजदीक में है, तो यह ड्रग ट्रैफिकिंग का इशू भी एक बहुत बड़ा इशू है अलोंग दिस बॉर्डर। अब कैसे मैनेज किया जाता है बॉर्डर को, कैसे मैनेज किया जा सकता है? सिक्योरिटी फोर्स अलोंग इंडो म्यांमार बॉर्डर, जो आसाम राइफल्स है जिन्हें फ्रेंड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पीपल भी बोला जाता है, आसाम राइफल्स डिप्लॉय किए जाते हैं इन द नॉर्थ ईस्ट फॉर गार्डिंग द इंडो म्यांमार बॉर्डर। मॉडर्न वेपन्स का यूज किया जाता है फॉर सर्वेलियंस एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। मॉडर्न वेपन्स एंड इक्विपमेंट लाइक अनमैन एरियल व्हीकल यूएवी, बैटल फील्ड सर्वेलियंस रडार, लेजर रेंज फाइंडर ETC आर बीइंग यूज्ड फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी, ताकि आसानी से उस पर नजर रखा जा सके उन एरियाज पे। बॉर्डर फेंसिंग इन ऑर्डर टू चेक द प्रॉब्लम ऑफ इन्फिल्ट्रेशन स्मगलिंग ऑफ कॉन्ट्राबैंड्स एंड इलीगल एक्टिविटीज इन इंडो म्यांमार बॉर्डर बॉर्डर एरिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड वर्क टू फेंस द एरिया। अब इस पर फेंसिंग किया जा रहा है और लगभग 1472 किलोमीटर का एरिया जो है वो भी डिमार्केट करके उस पर फेंस कर दिया गया है। कंप्रिहेंसिव बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अगेन कि जो बॉर्डर है वहां पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने चाहिए। टू इंप्रूव बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया म्यांमार बॉर्डर, अ कंप्रिहेंसिव बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज बीइंग अंडरटेकन। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होने चाहिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट मेजर एंट्री पॉइंट्स ऑन आवर लैंड बॉर्डर्स, ताकि हर कुछ कुछ दूरी पे मेजर चेक पोस्ट होने चाहिए, ताकि आसानी जो चेकिंग का सिस्टम है वो बढ़ाया जा सके। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वेरियस डेवलपमेंट वर्क्स इन बॉर्डर एरिया हैव बीन अंडरटेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर BADP एज ए पार्ट ऑफ कंप्रिहेंसिव अप्रोच टू बॉर्डर मैनेजमेंट, कि जितने भी अदर कंसर्न्स है इस बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, चाहे वो हम जैसे जब बात कर रहे थे चेक पोस्ट का या सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड, उस पर ध्यान दिया जा सके, उसके लिए काम किया जा सके। तो बेसिकली इन ये कुछ ऐसे स्टेप्स है जिसके थ्रू इस बॉर्डर के अलोंग जो है सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सकता है, इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सकता है, इंसर्जेंट एक्टिविटीज को रोका जा सकता है, और जो ट्रैफिकिंग का इशू है उसे भी बहुत हद तक संभाला जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं यह जो फ्री मोमेंट रिजिम को खत्म करने का जो डिसीजन है गवर्नमेंट का, वह बहुत हद तक सही है, क्योंकि पोरस बॉर्डर होने के कारण इंसर्जेंट एक्टिविटीज काफी ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में बढ़ रही है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्री मोमेंट रिजिम क्या है, क्यों लाया गया था, क्यों खत्म करना जरूरी है, क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के अलोंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।